बिग बॉस 16 के शुरू होने के साथ ही कंट्रोवर्सी भी शुरुआत हो गई है। शो में सभी कंटेस्टेंट अपना गेम खेलने में लगे हुए हैं। सब किसी न किसी वजह से खबरों में बने हुए हैं। बॉलीवुड फिल्म मेकर साजिद खान भी इस बार बिग बॉस में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि साजिद खान ने 4 सालों बाद इंडस्ट्री में वापसी की है। 2018 में साजिद एक नहीं बल्कि कई यौन उत्पीड़न केस के चलते इंडस्ट्री में बैन थे। मीटू कैंपेन के जरिए फिल्म मेकर पर बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने आरोप लगाया था। अब फिल्म मेकर के बिग बॉस में एंट्री से नए विवाद शुरू हो गए हैं। बिग बॉस 16 में साजिद खान की एंट्री के साथ ही कई विवाद भी शुरुआत हो गए हैं। जिन एक्ट्रेस ने साजिद पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था वो सोशल मीडिया पर शो मेकर्स को जमकर विरोध कर रही हैं। शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में बिग बॉस में एंट्री के लिए ट्वीट भी किया था। इसके अलावा मंदना करीमी ने साजिद की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही किनारा कर लिया। कई सेलिब्रिटीज ने साजिद की तरफ से भी आवाज को उठाया है, जिनमें शहनाज गिल, राखी सावंत और कश्मीरा शाह भी शामिल हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने साजिद खान की एंट्री पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए तनु ने कहा है कि मैं भी हैरान हूं। मैं इस गैर जिम्मेदारी और जनता पर पड़ने वाले प्रभाव पर स्पीचलेस हूं। मैं बिग बॉस नहीं देखती और मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी इसे देखूंगी।